हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि LIC ने अभी हाल ही में LIC AA की वैकेंसी दी है। उसके बाद तुरंत ही LIC ने फिर से ADO की वैकेंसी दे दी है। हमने इसके बारे में कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने बताया था कि टोटल जो है 9300 वैकेंसी ADO की LIC रिलीज करने वाली है। अराउंड उतना ही टोटल वैकेंसी जो है 9394 वैकेंसी हर एक जोन मिला करके LIC ने आउट की है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे किस जोन में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, और जो LIC ADO के रूप में कोई रिक्रूट होते हैं तो उसका वर्क प्रोफाइल कैसा होगा, उसकी कितनी सैलरी मिलेंगी, क्या सिलेबस है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये LIC की ऑफिशियल साइट पे सभी जोन वाइज नोटिफिकेशन अवेलेबल है, तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप लिंक पे जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम हर एक जोन का वैकेंसी भी इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है। जी, जो हमारा नोटिफिकेशन है वेस्टर्न जोनल ऑफिसर, जो कि मुंबई का है, इसमें देखते हैं पहले कि कितनी वैकेंसी है। तो जो देख सकते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी टोटल है वह है 1942। टोटल वैकेंसी 1942 जो कि वेस्टर्न जोन का है। वेस्टर्न जोन के जितने भी डिवीज़न हैं उस डिवीज़न के अंतर्गत जितने भी टोटल वैकेंसी है वह है 1942, जो कि काफ़ी अधिक मात्रा में है। 1942 है, सभी देख सकते हैं यहाँ पर डिवीज़न वाइज दिया गया है। ST कैटेगरी में कितने हैं, ST कैटेगरी में कितने हैं, OBC और EWS कैटेगरी में कितने हैं, सभी डिवीज़न वाइज दे दिया गया है। तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपने हिसाब से किस डिवीज़न में आप आते हैं अपने ही डिवीज़न में भरें तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा काम करने में। यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ लिखा हुआ है CB। सी का मतलब हुआ करंट वैकेंसी, जो कि इस बार अहमदाबाद में 9 है, और बी का मतलब बैकलॉग वैकेंसी है पिछले साल का, जो कि वैकेंसी उस सब है। तो चलिए, वैकेंसी हो गया, आप देख सकते हैं जिस जोन में आपको भरना है वहाँ से अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ले, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए एप्लीकेशन डेट की बात करते हैं। एप्लीकेशन डेट जो कि 21 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, मतलब आज से ही स्टार्ट हो चुकी है और ये 10 फरवरी तक चलेगी। ठीक है, जो कि प्रीलिम एग्ज़ाम का डेट है वह है 12 मार्च 2023, और मेन एग्ज़ाम जो होगा 8 अप्रैल का डेट दिया गया है। लगभग इसी डेट में ही सारा एग्ज़ाम हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से इस तरह से आप तैयारी कर ले, ताकि कि जो कि टाइम है उसी टाइम लिमिट में आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे जो दिया गया है, जो आपको जो जो सिलेक्शन होगा LIC ADO के अंतर्गत, तो आपका वर्क प्रोफाइल कैसा रहेगा। तो पहले आप जब जो ज्वाइन कीजिएगा, जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के समय आप कहलाएंगे अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग होने के बाद आपको पोस्टिंग डिवीज़न वाइज, डिवीज़न के बाद आपको ब्रांच में, मतलब पहले पोस्टिंग आपका डिवीज़न में होगा, डिवीज़न के बाद आपको ब्रांच में पोस्टिंग की जाएगी। तो ट्रेनिंग के बाद आप कहलाएंगे ब्रांच में, जैसे पोस्टिंग हो जाएंगे तो आप कहलाएंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर, PDO कहलाएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग होने के बाद आप PDO कहलाएंगे। PDO का जो समय रहेगा 1 साल का रहेगा। 1 साल में जो LIC का मिनिमम बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं तो आपको जो है DO में प्रमोट कर दिया जाएगा, या फिर आप LIC के कन्फर्म्ड डेवलपमेंट ऑफिसर कहलाएंगे। ठीक है, ये जो समय दिया जाएगा आपको 1 साल दिया जाएगा। एक साल में आपको बिजनेस क्या करना है कि एजेंट को रिक्रूटमेंट करना है, एजेंट को रिक्रूटमेंट करके एजेंट से आपको बिजनेस करवाना है, और आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर आप 1 साल में जो मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा, अगर 1 साल में आप नहीं कर पाते हैं तो इसको आपको बढ़ा के 2 साल तक भी किया जा सकता है, मतलब 2 साल बढ़ाया दिया जाएगा। ठीक है, 2 साल में भी नहीं होगा तो और भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा आपको कि आप
एजेंट को रिक्रूटमेंट करके मिनिमम जो बिजनेस का क्राइटेरिया होगा उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब मिलेगी, लेकिन आपकी सैलरी काफ़ी इसमें अच्छी रहेगी। तो सैलरी के अलावा आपको इसमें मिलता है आय भी मिलता है, जो कि बोनस कहलाता है। बोनस आपको मिलेगा, सैलरी के अलावा आपको बोनस मिलेगा अगर आपका बिजनेस अच्छा हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे आपको इनकम जनरेट होगा, ये डिपेंड करेगा आपका बिजनेस पे। तो जो स्टार्टिंग का जो सैलरी होगा, सैलरी तो आपको फिक्स रहेगा, वो जो स्टार्टिंग बेसिक पे है इसका 35,650 रुपया, ये बेसिक है। बेसिक के अलावा आपको मिलेगा DA प्लस HRA प्लस कैडर एलवेंस करके LIC ने पिछले भेज रिवीजन में दिया था, तो वो मिल जाएगा आपको। TA मिलेगा, ठीक है, ये सब चीज़ आपको मिलेगा। उसके बाद ही बहुत सारा एलवेंस है, वो सभी दिया जाएगा आपको। तो आपको सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, 35,000 में आप DA कम से कम, अगर आप यहाँ LIC का भी कम से कम 50 के अराउंड DA चल रहा है, तो आप उसके हिसाब से जोड़ सकते हैं। तो आपका सैलरी कम से कम 55 प्लस रहेगा, ठीक है, 55,000 प्लस रहेगा। उसके अलावा आप इंक्रीमेंट देख सकते हैं, 2,200 रुपया पर 2 ईयर, उसके बाद 40 हो जाएगा। उसके इस तरह से आपका बढ़ता रहेगा, और उसके बाद आपका बोनस भी मिलता रहेगा। बोनस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप पहले आप इस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी कर ले, इसमें सिलेक्शन ले ले, काफ़ी अच्छी आपको पैकेज यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोफेशन समझा दिया आप लोगों को। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके सिलेबस पे। तो जो प्री का जो एग्जामिनेशन होगा, प्री के एग्जामिनेशन में क्या क्या रहेंगे, तो फर्स्ट में रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगे। सभी में सॉरी, रीजनिंग में 35, मैथ्स में आपको 35 और इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस रहेंगे। सभी के मार्क्स एक एक नंबर के रहेंगे, मतलब 35 रीजनिंग, 35 मार्क्स जी सॉरी न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश 30 मार्क्स के रहेंगे। सभी के लिए सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है, 20-20 मिनट का दिया गया है। एक चीज़ सबसे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो इंग्लिश है वह ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसको आपको जो मेरिट बनेगा, मेंस के लिए रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसमें इस इंग्लिश को ऐड नहीं किया जाएगा। मतलब आपका मेरिट बनेगा मेंस के लिए सिर्फ मैथ और रीजनिंग से। तो काफ़ी अच्छा है, जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश के कारण रह जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी एक सुनहरा मौका है यहाँ पर। तो इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फेज 2 के एग्जामिनेशन पे। तो फेज 2 के एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा गया है, चलिए हम लोग उसको अब डिस्कस करते हैं। फेज 2 में है आपको फिर से वही रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग मैथ मिला के टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद इसमें GK, करंट अफेयर्स और इंग्लिश, तीनों मिला के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसमें ऐड हो जाता है, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस, जो कि टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। अब तो तैयारी ये दोनों चीज़ को कर रही होंगे, अगर बैंक की तैयारी करते हैं तो मैथ रीजनिंग GA इंग्लिश की आपकी तैयारी रहती ही है। थर्ड सेक्शन एड हो जाता है इसमें इंश्योरेंस और फाइनेंस। इंश्योरेंस और फाइनेंस अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, बाकी दोनों में आप एवरेज भी हैं, तो यहाँ से आप सलेक्शन ले सकते हैं। तो आपका इंश्योरेंस और फाइनेंस अच्छे से तैयारी कर लें, और आपका सलेक्शन इसमें आसानी से हो सकता है, वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए यही सब था इसमें। उसके बाद हम अब जोन वाइज वैकेंसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये था आपका वेस्टर्न जोन का, और भी जोन में किस जोन में कितने वैकेंसी है उसको आप हम दिखा देते हैं। बाकी सभी का नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वेस्टर्न जोन हम लोगों ने बता दिए हैं, वेस्टर्न जोन में 1942 वैकेंसी है। उसके बाद चलते हैं अगले जोन। अगला जोन जो है हमारा वो है ईस्ट सेंट्रल जोन, जो कि पटना का है। इसमें टोटल जो वैकेंसी है वह है 669, 669 वैकेंसी टोटल है इसमें। तो आप यहां से सभी जोन वाइज दिया हुआ है, इसमें भी SC ST OBC और EWS किस कैटेगरी में कितने हैं वो दिया गया है।
ये हो गया आपका ईस्ट सेंट्रल जोन का। चलिए अगले जोन को देखते हैं, उसके बाद है हमारा साउथर्न जोन जो कि चेन्नई का है, वह है 1500 टोटल, 1516 वैकेंसी टोटल सभी डिवीजन और सभी कैटेगरी के मिला के 1516 वैकेंसी है। ठीक है, अगला जोन देखते हैं, अगला जोन है हमारा साउथ सेंट्रल जोन हैदराबाद। साउथ सेंट्रल जोन का जो वैकेंसी है 1408 वैकेंसी है, साउथ सेंट्रल जोन का 1408 वैकेंसी है। उसके बाद है ईस्ट सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन जोनल है, ईस्टर्न जोन कोलकाता का है, जो कि टोटल वैकेंसी है आपका वह 1049 वैकेंसी है। काफ़ी अधिक मात्रा में वैकेंसी है, तो आप अपने जोन से ही भरें। अपने जोन से भरने का फ़ायदा ये होंगे कि आपका जो वर्क रहेगा वह मार्केटिंग रहेगा, एजेंट को रिक्रूट करना रहेगा। तो अगर आप लोकल हैं तो इजीली आप एजेंट को बना सकते हैं, लेकिन अगर आप अदर स्टेट में जाके तो थोड़े आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने जोन के अपने डिवीजन में ही भरें, ताकि आपको होम पोस्टिंग हो और वर्क करने में आपको कोई कठिनाई न हो। उसके बाद अगला है सेंट्रल जोन भोपाल का है, टोटल वैकेंसी है आपको इसमें 561 वैकेंसीज है। उसके बाद है नॉर्थ सेंट्रल जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन का जो वैकेंसी है वह है 1033, जो कि कानपुर का है, यूपी का है, वह 1033 है। उसके बाद है नॉर्थ जोनल ऑफिस दिल्ली का, दिल्ली का वैकेंसी है 1216। ठीक है, टोटल 8 जोन है, 8 जोन का हमने बता दिया, टोटल जो वैकेंसी थी 9394 वैकेंसी है टोटल। काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, तो आपके लिए काफ़ी एक अच्छा मौका है, इस बार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। चलिए इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।